राम राम सभी भाइयों को, स्वागत है यूट्यूब चैनल पे मेरे। आज हम जा रहे हैं जमुना पे, प्रभु जी मेरे साथ में। आज का जो ब्लॉग बनने वाला है वो है जमुना। वहाँ पे एक मंदिर है सुंदर सा, वहाँ पे हम जा रहे हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, लाइक और सब्सक्राइब प्लीज ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे को आगे तक ले जा सकता है और मुझे आपका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी मैं आपको आगे दर्शन कराता हूँ मैं जमुना के, प्रभु जी के साथ में। वीडियो भी बने रहना मेरे साथ। अभी हम पैदल चलते चलते बहुत दूर आ चुके हैं, जमुना के पास में ही है, नज़दीकी आ चुके हैं हम। और यहाँ पे बैठे हैं अभी छाया पे बैठे हैं। और आज सोमवार था तो हमने सोचा चलो दर्शन कर लेते हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार, आज तो हम अभी बैठे हैं छाया पे। अभी जाएंगे थोड़ा देर यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं। पानी पी लिया अभी यहाँ पे। क्या बोले प्रभु, धूप हो रही, जमुना में जा रहे हैं, जमुना माई के दर्शन करेंगे। इधर मंदिर है, मंदिर के दर्शन कराएंगे। आज सावन का दूसरा है। तो सभी भक्तों से ये निवेदन है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इन भाई का सहयोग करें। आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो फाइनली प्रभु जी और मैं मंदिर पे पहुंचने वाले हैं जमुना के। ये मेन गेट है, बस यहाँ पे पहुंच के आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं हम। ये मंदिर का फ्रंट गेट है, यहाँ पे बजरंगबली और माता रानी की तस्वीर है। एक ये है जय सीताराम, ये है शनिदेव महाराज। भाइयों वीडियो पे बने रहना और कमेंट पे हरे कृष्ण हरे राम लिखते रहना। आइए गुरुजी, प्रभु जी, हे प्रभु जी हमारे। भाइयों एक सुंदर सा मंदिर बना है ये जमुना के किनारे, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है। सामने जमुना मैया भी बह रही है, आपको अभी जमुना के दर्शन भी कराऊंगा मैं। ये देखो पहले के मंदिर कुटिया देखो, यहाँ पे पहले लोग आके अपना जो भी बाबा लोग यहाँ पे आते होंगे उनकी कुटिया ऐसी हुआ करती थी पहले। देख लो कितनी अच्छी कुटिया बना रखी है, बहुत प्यारी कुटिया बना रखी है। घास वास से एक लगा रहे, ये देखो गेट, लकड़ी का गेट बना हुआ है। और यहाँ पे जो है आके परिक्रमा लगा सकते हो आप। ये परिक्रमा के लिए बनाया गया है। आइए प्रभु जी, जाना तो मना है पर अंदर का नज़ारा कुछ यूँ है। ये यहाँ पे पहले ऋषि मुनि बैठ के अपना तप करते होंगे, यज्ञ करते होंगे। ये सारे बना रखे हैं यज्ञ, देख लो अंदर तक नज़ारा बहुत प्यारा है। दोस्तों कमेंट पे हरे कृष्ण हरे राम जरूर लिखना मेरे भाई। देखो केले के पेड़ भी है, सबसे शुद्ध माना जाता है केले के पेड़ को। जमुना का किनारा है, पार जैसा ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से आप अंदर घुस सकते हो, पर अभी जाने के लिए मना कर रखा है हम लोगों को। ये सामने देख रहे हो कुटिया, परम सुख और परम आनंद मिलता होगा उनको यहाँ पे, क्योंकि
आज के टाइम पे सांसारिक मोह माया में वो सुख और वो सुकून और आनंद नहीं है जो एक भक्ति पे मिलती है। मंदिर के दर्शन करके अब आप लोगों को जमुना के दर्शन करा रहा हूँ मैं, तो देख लो भाई कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का। गाय वैसे देख लो आप, यहाँ के लोग ये भैंसे देख लो। गांव पे हम लोग क्या करते हैं ना, एक ही जगह उनको रखते हैं, बांध के रखते हैं, और यहाँ पे भैंसों को खुला रखते हैं। सुबह चले जाते हैं या शाम को आ जाते हैं, और कोई ब्याही होती है तो उसका दूध निकालने के लिए उसका मालिक उसको ले जाता है घर पे दूध निकाल के, फिर ये ऐसे ही चले आते हैं यहीं पे। ये सामने जमुना के दर्शन कर लो आप, और इसी के सामने पीछे यमुना भी है। यहाँ पे बच्चे लोग नहा रहे हैं। भाइयों देख लो जमुना नदी, बहुत बड़ी है, नजर नहीं पहुंच रही आगे तक। ये जमुना किनारे पहुंची और हम आज साथ पर भी पानी इतना साफ नहीं है इसका ना, पर आई बहुत है जमुना आजकल, बहुत आ रखी है, बरसात है ना, बरसात के टाइम पे देख लो भाई नज़ारे देख लो। जमुना तो अपनी तरफ पता खींचती भी है। अच्छा हाँ, नर भक्षण जमुना इतनी खतरनाक है।